हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एएमटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और जो ये मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस इस पर बताऊँगा और क्या क्या संभावना है आगे क्वेश्चंस की, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस है उसी में आगे फर्दर इसको कैसे क्वेश्चंस का पैदा करना है, कहाँ तक क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सभी कंपटीशंस में चाहे वो गेट नेट बार जज के फर्क स्टूडेंट्स हों, चाहे PCSIS के, तो चाहे हिंदुस्तान में किसी भी फिजिक्स का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कैसे एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिट है। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरीका के क्वेश्चन आएंगे और आगे इसी तरीका के क्वेश्चनों के आगे स्कोप बनते हैं। तो क्वेश्चन बताता हूँ, पहले समझाता हूँ क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन समझाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने एवोल्यूट की हैं, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। तो डिस्कस देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस बिटवीन रेडियाई एंड बी इज फिल्ड विद एन इनहोमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस हैं और इनर रेडियाई उसकी ये है और आउटर रेडियाई बी है, उसको फिल्ड किया गया है इनहोमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है आर का फंक्शन है, जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है या हम कहें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो कैसे वेरी कर रही है। एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट अपॉन वन प्लस के आर, के आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, के आर यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस है सेंटर से, जो हमारे कंसेंट्रिक स्फीयर है उसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर की जा रही है। वेयर एप्साइलन नॉट एंड के आर कॉन्स्टेंट, ये दिस एप्साइलन नॉट और ये दोनों कॉन्स्टेंट है। उसके बाद पूछा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द इनर सरफेस, एक चार्ज क्यू को इनर सरफेस पर रख दिया गया है। व्हाइल द आउटर इज ग्राउंडेड, आउटर सरफेस जो है वो ग्राउंडेड की गई है। और फिर इसमें पांच छह चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक पूछा गया है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू जब ए और बी के बीच है, कैपेसिटेंस पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है इसी केस में, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी पूछी गई है जब ए और बी के बीच में किसी पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर, और सरफेस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी पूछी गई है दो बिंदुओं पर, आर बराबर ए और आर बराबर बी। इसी पर क्वेश्चन जो आ सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो बदलता रहेगा, यहाँ पर जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन वन प्लस के आर स्क्वायर, के आर क्यू, के आर फोर, इस टाइप से नए नए क्वेश्चन भी इस पर क्रिएट हो सकते हैं। ये जो टर्म है इस वन प्लस के आर, ये हम मल्टीप्लाई में भी हो सकती है। तो पैटर्न को सीखें और पैटर्न के हिसाब से अपने आप को तैयार रखें कि जब एप्सिलॉन फंक्शन आर का होगा, उसके साथ साथ इसी में क्वेश्चन को ये भी सोच कर चलें कि अगर वो स्फेरिकल सरफेस ना दे, अगर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा लेता है सिलैंड्रिकल के लिए, इसी तरीका के पैटर्न को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार रखें। फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने बताए कि ये भी आ सकता है क्वेश्चन और इसके पैटर्न पर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आने वाला समय इन्हीं क्वेश्चनों का है, उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर छोटे से स्पेस में। ये हमारा इनर रेडियाई आर बराबर ए का है, एक स्फेरिकल सरफेस, और एक हमारी R बराबर B, दो सरफेस ले लें कंसेंट्रिक सरफेस। और यहाँ पर जो एप्साइलन है, यहाँ इस यहाँ पर एप्साइलन है वो बदल रहा है R के हिसाब से, यहाँ पर एप्साइलन ये माध्यम की दोनों के बीच में जो माध्यम है उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्साइलन बराबर एप्साइलन नॉट अपॉन वन प्लस के आर के दिन है। इसके ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो सरफेस है ये हमारी प्लस चार्ज इस सरफेस को दे दिया गया है, इसकी रेडियाई A है और ये वाली रेडियाई बी है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो इनर सरफेस इसको दिया गया है, इनर सरफेस को। और जो आउटर सरफेस है उसमें हम देखेंगे ये तो माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। हम सब जानते हैं कि जब इस सरफेस को प्लस चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से माइनस चार्ज यहाँ आएगा और प्लस चार्ज इस आउटर सरफेस पर होगा। और ये जो प्लस चार्ज है इसको क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया रखा है कि आउटर सरफेस जो है वो हमारी ग्राउंडेड कर दी गई है। तो जो आउटर सरफेस ग्राउंडेड की गई है उसमें आउटर सरफेस में जैसे हम इसे ग्राउंडेड कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरफेस इसमें इस सरफेस पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज यहाँ ग्राउंडेड होने के कारण, और इस पूरे के पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये सिस्टम बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज आर बराबर ए पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और आर बराबर बी पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो वेरी कर रही है इसके हिसाब से, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन वन प्लस के आर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एप्सिलॉन इज द फंक्शन ऑफ आर, मीन्स परमिटिविटी माध्यम जो है माध्यम की वो आर का फंक्शन है। तो इसे कैसे पढ़ाएं, पहले
सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सरफेस ऐसे ब्लॉक कर लें TDSR का, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डी निकालते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये आर सरफेस का, तो ये जो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4πr2। तो सबसे पहले हम क्या करें, गॉस लॉ अप्लाई करें इस पूरी गॉसियन सरफेस के लिए। तो डी डॉट डी एस की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है ये दिस चार्ज वो क्यू आ रहा है। तो इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डी को हम सिंपली लिख पाएंगे डी इंटू डी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की और डी एस की जो डायरेक्शन है वो दोनों की पैरेलल होगी। तो डी डॉट डी एस बराबर क्यू करेंगे, तो डी डॉट डी एस में जो होगा सरफेस एलिमेंट जब वो पैरेलल होगा तो डी डी एस कॉस जीरो बन जाएगा, और डी एस जो सरफेस एरिया है इस पूरी सरफेस के ऊपर डी कॉन्स्टेंट होगा, उसे इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे तो डी इंटू इंटीग्रल डी एस बराबर क्यू, और डी एस जो सरफेस एरिया इस सरफेस का पूरे का आ जाएगा वो 4πr² आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी इंटू 4πr² बराबर क्यू, तो यहाँ से डी हम जो सिंपली निकालेंगे क्यू अपॉन 4πr², तो ये निकाला गया है डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr². ER कैप जो है वो रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, ये हमारा डी जो है ये हम सब जानते हैं, ये जो डी होता है वो हमारा वेक्टर पैरामीटर होता है। तो यहाँ से डी निकाल लें, फिर हम सब जानते हैं कि डी और ई में जो रिलेशन होता है, सिंपली डी और ई में रिलेशन होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, दिस इज द एक्सप्रेशन बिटवीन डी एंड ई। तो यहाँ से ई निकल जाएगा, ई आ जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन, तो ई की वैल्यू को जैसे हम डी अपॉन एप्सिलॉन करेंगे तो ई इज इक्वल टू जो डी हमने निकाल रखा था उसे ले लें क्यू अपॉन 4πr², और जो एप्सिलॉन आ रहा है उससे इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है उसे यहाँ से पुट कर दें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1+kr, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये यूनिट वेक्टर होगा क्यू अपॉन 4πε0r², और ब्रैकेट में टर्म आ जाएगी 1+kr और er कैप, यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। तो ये तो अगर डी पूछता है इस क्वेश्चन में तो ये मार्क करें, और अगर ई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मार्क करें। उसके बाद हमसे पूछता है पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, v की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंटीग्रल a टू b e डॉट dr इसमें पुट कर दें, इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस का एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे e की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम देखेंगे एक टर्म आएगी q अपॉन 4πε0r², और उसका इंटीग्रल लिमिट लगाएंगे माइनस a से b, तो वो q अपॉन 4πε0 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b हमें यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगा। फिर हम दूसरी टर्म देखेंगे वो आएगी हमारी क्यू के आर अपॉन 4πε0r², आर से एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्यू अपॉन 4πε0r होगा। जब हम उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन उसका आ जाएगा लॉग आर में, और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे तो वो वैल्यू हमें सॉल्व करके मिलेगी क्यू अपॉन 4πε0k log e d अपॉन a, ये हमें वैल्यू जो मिलेगी वो पोटेंशियल की मिलेगी। तो पोटेंशियल इस केस में अगर पूछता है तो ये वैल्यू होगी पोटेंशियल की q अपॉन 4πε0 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b प्लस k log e और d अपॉन a, तो ये v आ जाएगा। अगर हमसे यहीं से कैपेसिटेंस पूछता है तो c बराबर q अपॉन v से हम सिंपली कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, केवल और केवल q हमें यहाँ पर q है ही, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू को पुट करके यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो एक तो हमसे पूछा गया है d, तो d हमने कैलकुलेट किया है वो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद में ई पूछा जा रहा है तो ई की वैल्यू दिस वन होगी, उसके बाद पोटेंशियल अगर पूछता है तो दिस वन होगा। उसके बाद पोलराइजेशन का हम सब जानते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, डी जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसकी वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये डी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और डी होता है हमारा एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और यहाँ से पी की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी पोलराइजेशन वेक्टर की एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, तो ये हमने पोलराइजेशन वेक्टर पी निकाल लिया, पी की वैल्यू होगी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है जो हमारी परमिटिविटी है एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1+kr, उस वैल्यू को यहां से पुट करके यहां पुट कर दें माइनस एप्सिलॉन नॉट इनटू ई कर दें और ई की वैल्यू को पुट कर दें दिस वन, तो यहां से पोलराइजेशन वेक्टर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा माइनस टू के अपॉन 4πr, ये रेडियल डायरेक्शन में होगा पोलराइजेशन वेक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है यहाँ से हम देख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर बराबर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होगा, तो ई की जो डायरेक्शन होगी वही पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी, तो पी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे माइनस क्यू के अपॉन 4πr,
उसके बाद हमारे पास में दो चीज़ें और हमें कैलकुलेट करनी है इसी क्वेश्चन में, एक है वॉल्यूम पंप चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम पंप चार्ज डेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, रोवी जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रोवी जो होता है होता है माइनस डाइवर्जेंस पी, वॉल्यूम पंप चार्ज डेंसिटी, पी यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जब पी आर का फंक्शन है तो डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं 1/r² डेल ओवर डेल आर और ब्रैकेट में r² pr। तो ये यहाँ पे करते हैं, रोवी बराबर माइनस डाइवर्जेंस पी और डाइवर्जेंस को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख दें 1/r² डेल ओवर डेल आर r² pr और माइनस चिन्ह यहाँ पे आएगा ये वाला। तो इसको सॉल्व कर लें, पी आर की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से और इसको सॉल्व करें, तो ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा qk/4πr², ये हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी रोवी की। उसके बाद जब सिग्मा बी निकालेंगे तो सिग्मा का मतलब सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो हम सब जानते हैं कि सिग्मा की बी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये होती है पी डॉट एन कैप। तो जो हमारा बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है पोलराइजेशन वेक्टर, इसी में जब हम इनर सरफेस पर जाएँ, ये इस सरफेस पर जाएँ इनर सरफेस पर, तो आर को ए रख दें और चार्ज को क्यू को जो हम पॉजिटिव रखें, तो आर बराबर ए, आर बराबर ए ले लें और चार्ज की वैल्यू को क्यू रखें, तो यहाँ से सिग्मा बी जो आ जाएगा सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी वो आ जाएगी qk/4πa, तब जब r बराबर a है, और जब हम r बराबर b पे जाएं तो ये सरफेस ये होगी, तो चार्ज यहाँ पे q की जगह माइनस q ले लें और सरफेस को r बराबर b ले लें, तो यहाँ पे जो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस qk/4πa। तो ये दो सरफेसों के ऊपर सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। और एक कंसेप्ट जो मैं सदा से बताता रहा हूँ वो ये है कि किसी भी केस में अगर नेट बाउंड चार्ज पूछता है तो नेट बाउंड चार्ज को सदा जीरो मार्क करें, क्योंकि जितना हमारा वॉल्यूम में चार्ज, जो जितना वॉल्यूम में बाउंड चार्ज होता है उतना ही अपोजिट साइन का सरफेस पे चार्ज होता है, तो नेट बाउंड चार्ज जो होता है वो सदा जीरो होता है। तो अगर इसी केस में नेट बाउंड चार्ज पूछा जाए तो उसको आंसर को जीरो मार्क करें। तो इसमें हमने 5-6 चीज़ें कैलकुलेट की हैं, एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट किया है, एक इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट किया है, पोटेंशियल निकाला है, पोलराइजेशन वेक्टर निकाला है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकाली है, उसके बाद सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकाली है। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा इसमें 4-5 क्वेश्चन और सोचें अलग अलग तरीका के, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे kr² ले लें, फिर अगली प्रॉब्लम kr³ ले लें, इनके पैटर्न सबके सेम ही रहेंगे और कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होती चली जाएंगी, इस तरीका के हो सकते हैं, या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू आती रहे सिग्मा बराबर, मतलब यह है कि जब परमिटिविटी आर रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, स्पेरिकल प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व करें और स्पेरिकल के साथ साथ सिलैंडरिकल प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व करें। अगर आप इस तरीका के क्वेश्चनों को करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है कि आपने प्री तैयारी की हुई है कॉम्पिटिशंस की। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है वो निश्चित तौर से आगे की दिशा देगी और आपको बताएगी कि आगे फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस इस डायरेक्शन में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय इसी तरीका का होगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जो प्रॉब्लम्स लूँगा, जो भी कॉम्पिटिशंस ओरिएंटेड प्रॉब्लम कराऊंगा, सब फ्यूचर पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।